क्या बिरसी एयरपोर्ट में पहले छोटा एयरपोर्ट था, उसके बाद उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल भाई पटेल बने तो डेवलपमेंट के काम एयरपोर्ट में चालू हुए। एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए जो गरीब बैठे थे 40-45 परिवार, उनको नेस्तानाबूद कर दिया गया। 24 तारीख के दिन 13 JCP, SP साहब, SDO मैडम, तहसीलदार जी, पटवारी मैडम साथ में आके हमारे पूरे घर तोड़ के चले गए। तब से हम लोग ये ऐसे खुले पे रह रहे हैं, काटे बिच्छू, रात बेरात जाना आना, ये सब हमारी तकलीफें हैं। जिस तरीके से उसके पहले हमको SDO मैडम ने 2 दिन पहले ऑफिस में बुलाई, SP साहब थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साहब थे और हमारे वकील साहब और हम लोग थे, तो हमको SDO मैडम ने बोली जानना तोड़ा घर तोड़ने सहकार्य करा, तुम्हाला 15 दिवसाच्या आत तुमच्या राहण्याची व्यवस्था आम्ही करून देऊ। 15 दिवस झाले, 15 दिवसापासून आम्ही SDO मॅडमच्या ऑफिसमध्ये 2 दिवसाच्या आड 3 दिवसाच्या आड जात आहोत। आतापर्यंत आम्हाला कसलाही अच्छा जिस टाइम ये तोड़ने आए थे तो कौन कौन आए थे यहाँ पे? इस समय में आए थे तब SP साहब थे, कलेक्टर साहब थे, तहसीलदार साहब थे, पटवारी मैडम थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के बड़े अधिकारी थे, 13 JCP थे, पुलिस प्रशासन सब था। हमको कोई भी तरीके का मौका न देते हुए हमारे घरों को तोड़ना चालू कर, सामान निकालने भी नहीं दिए। तुम्हारी क्या मांग? हमारी मांग है जिस तरीके से हमारे घर तोड़े गए हैं उसी तरीके से हमारे घर दोबारा बना के दिया जाए। अच्छा, ग्राम पंचायत की टैक्स वगैरह भी भर रहे हैं, टैक्स है, रोड है, रास्ते, सब कुछ सारी सुविधा दी गई थी उधर, लेकिन अभी बीच में 15 दिन पहले आके हमारे मकान तोड़ दिए गए। हम लोग घर से बेघर हो गए, फुटपाथ पे ऐसे तंबू तान तान के रह रहे, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। ये SDO मैडम ने हमको आश्वासन दी कि मैं 8-4 दिन में कर दी थी तुम्हारा सुविधा करके, लेकिन हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल, ना ही सरकार ध्यान दे रही है ना कोई ध्यान दे रहा है। छोटे छोटे बाल बच्चे, अगर उनको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बूढ़े हैं ये सब, बूढ़े हैं, ऐसे बूढ़े लोग हैं, क्या होगा हमारा? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है समझ लो, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, क्या करें ये समझ नहीं आ रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारा बिल्कुल। बताए थे उन्होंने, बोले थे हम तुम्हारी सुविधा करके देंगे करके। कौन कौन थे यहाँ उस टाइम पे? उनके ऑफिस में गए थे हम लोग SDO मैडम के। अच्छा, उन्होंने बोले थे हाँ मैं देखती हूँ, बोले तुम्हारी जगह कहीं थोड़ा सा करती हूँ सुविधा, बोले लेकिन कोई नहीं सुना हमारा। ये जो JCP जो तोड़ना है उस टाइम पे कौन कौन हाजिर थे यहाँ? उस दिन कोई नहीं था, SDO मैडम भी नहीं आई थी, हमारे तहसीलदार वगैरह कोई आए थे, आए थे तहसीलदार थे शायद, नहीं तो कोई नहीं आया। मिलना चाहिए, छत सबसे बड़ी ये है समझ लो, रहने के लिए छत की जरूरत है, छत नहीं रहेगा तो आदमी जी नहीं सकता। और हम लोग 30-40 साल से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हमको क्या कहते भी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी बोलता है कि घर से बेघर नहीं किया जाए, उसके बावजूद हमारे को कोरोना काल में हमको घर से बेघर कर दिए, ऊपर से हमारे ये बूढ़े माँ बाप है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनको लेके कहाँ जाएंगे सर? और ऊपर से हमारे को घर रहने के लिए नहीं है यहाँ पे, इतने दिनों से हम 15 दिन से 20 दिन हो गए यहाँ पे आके है, तो कोई आके नहीं देखा, ना ही कोई कलेक्टर आके देखा, SDO आके देखा, ना ही नेता वगैरह आके देखे, ना कोई आके नहीं देखा यहाँ पे। हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया के हम नागरिक ही नहीं है एक। और क्या मांग है तुम्हारी? हमारी ये मांग है कि हमारा जैसा घर टूटा है वैसे हमारे को घर बना के दे दो। कितने घर तोड़े गए एक परिवार? 28 घर तोड़े गया है और हम लोगों को सभी की एक ही मांग है कि हमको घर से बेघर किए, वैसे हमको जैसा छत हमारा छीने है वैसे हमको छत ला के दे दो।